अयोध्या की ऐतिहासिक 14 कोसी परिक्रमा में कई समाजसेवी संस्थाओं और प्रतिष्ठित चिकित्सकों द्वारा की गई भक्तों की सेवा। जी हां, अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा के अवसर पर श्री 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 महामाया दुर्गा मंदिर चौबेपुर नाला तरबगंज गोंडा के सौजन्य से परिक्रमा मार्ग शमसुद्दीन में समाजसेवी अशोक कुमार सिंह के आवास के सामने निशुल्क भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और भंडारे के सफल आयोजन में हरि प्रसाद चौहान, रामजी तिवारी, उमा शंकर सिंह, देवी सिंह, सुभाष चंद्र द्विवेदी, अशोक कुमार सिंह, भामन तिवारी के अलावा अन्य समाज सेवियों का विशेष योगदान रहा। यहां पर सुबह से ही शुरू हुआ भंडारा देर शाम तक परिक्रमा के दौरान जारी रहा। इसी क्रम में नाका स्थित चिरंजीव हॉस्पिटल के तत्वावधान में निशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर उमेश चौधरी ने बताया कि कैंप लगाने का मुख्य उद्देश्य 14 कोसी परिक्रमा में आए हुए भक्तों की निस्वार्थ सेवा करना है। भविष्य में इस तरह के कैंप हमारे हॉस्पिटल द्वारा लगाए जाते रहेंगे। वहीं कैंप को सफल बनाने के लिए हॉस्पिटल से जुड़े समस्त स्टाफ का विशेष योगदान रहा। इसी कड़ी में नाका क्षेत्र में गंगा हॉस्पिटल की ओर से जनौरा परिक्रमा मार्ग पर निःशुल्क दवा वितरण का कैंप का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए गंगा हॉस्पिटल निकट टीचर्स कॉलोनी के डायरेक्टर डॉक्टर एस के वर्मा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 14 कोसी परिक्रमा के अवसर पर उनके हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क दवा वितरण का आयोजन किया जाता है और यहां पर इस दौरान गुजर रहे श्रद्धालुओं को जलपान भी कराया जाता है। इस कैंप का आयोजन मुख्य रूप से परिक्रमा में आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा किया जाना है। इसी कड़ी में जनौरा स्थित परिक्रमा मार्ग पर सेवानिवृत्त अध्यापक डॉक्टर उदयभान मिश्र के नेतृत्व में प्रसाद वितरण कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को प्रसाद ग्रहण कराया गया। सेवानिवृत्त डॉक्टर उदयभान मिश्र ने बताया कि प्रत्येक वर्ष उनके सहयोगी सेवानिवृत्त अधिकारियों और अध्यापकों द्वारा जलपान कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं की सेवा किया जाना है। इसी कड़ी में शहादतगंज क्षेत्र में परिक्रमा मार्ग पर कायस्थ जागरण संस्थान के अध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में निःशुल्क प्रसाद वितरण कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और इस संबंध में जानकारी देते हुए कायस्थ जागरण संस्थान के अध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्रत्येक वर्ष उनकी संस्था द्वारा 14 कोसी परिक्रमा में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा किए जाने के उद्देश्य से यह कैंप लगाया जाता है, जो ही आगामी वर्षों में भी इसी तरह से लगाया जाता रहेगा। हम चौबेपुर नाला तरफगंज रोड गोंडा किस जगह पे आपने ये प्रसाद वितरण कर रहे हैं? ये है देवी भगत सिंह नाम है मकान मालिक का और ये शमसुद्दीनपुर भंडारा चल रहा है भगवान के नाम पे। 14 कोसी परिक्रमा उद्देश्य कुछ नहीं, बस अमरनाथ गए थे सर और वहाँ पे जो है हमको आनंद आया और हमारे प्रभु जो है भोलेनाथ। कह भाई इसे लगाया भंडारा, आपने कितने भक्तों ने प्रसाद दिया अब तक? कभी तो भगवान की इच्छा सर। और हम लोग भंडारे के लिए चौबेपुर से चल के आए यहाँ पे। कैसे आप लोगों के अंदर ये भक्ति जागी कि भंडारे की? भक्ति ऐसी जागी कि ये साधु जी महाराज गए थे अमरनाथ, तो जो आपदा घटी वहाँ पे उस समय बच गए वहाँ पे। इस बार जो आपदा घटी थी तो इन्होंने संकल्प किया कि जब हम बच गए हैं तो अयोध्या नगरी में चलेंगे और वहाँ पर जाके एक भंडारा करेंगे और उससे लोगों को जो भी प्रसाद वितरण किया जाएगा और जो आशीर्वाद मिलेगी वहाँ से भगवान रामचंद्र जी से, उसे स्वीकार किया जाएगा। रामजी तिवारी। मैं डॉक्टर एस के मिश्रा गंगा हॉस्पिटल से। इस परिक्रमा में हम लोग कैंप लगाए हैं जिसमें हम लोग जलपान और दवा के व्यवस्था की गई है जी। बस सेवागण, इन लोगों की सेवा करना है, भक्तों को जो हमारे भक्तगण चल रहे हैं परिक्रमा में। इन लोगों को पैर में दर्द होता है, अक्सर दर्द के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं और उन लोगों की बहुत, हमारे स्टाफ सब लोग लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। कल से ही लगभग कई हजार लोगों की संख्या में सब लोग चल रहे हैं और लगभग अधिकतर वृद्धावस्था और जो तमाम प्रकार के जो श्रद्धालु हैं, इन लोगों को समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं। इनको हम लोग हमारे कैंप में आकर के सेवा ले रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। कहाँ पे आपका अस्पताल है? हमारा गंगा हॉस्पिटल और देव शक्ति धाम सेवा ट्रस्ट है।
इसी के डॉक्टर एस के मिश्रा पंचकोसी में आने वाले श्रद्धालु क्या कहेंगे? हाँ, उसमें भी हम लोग कैंप लगाएंगे और उनकी सेवा की जाएगी। 14 कोसी परिक्रमा चल रही है और क्या कहते हैं, कितने दूर दूर से, देश से क्या विदेश से, उसे मतलब लेकर जो है श्रद्धालु लोग आए हैं। और हमारी यही एक वो है कि जितना हो सके उतने लोगों की सेवा हम कर सके जो है, और आए क्या कहते हैं स्वास्थ्य का जो हम लोग लाभ दे सक रहे हैं जो है, आए उसमें लाभ उठाएं जो है। और हमारी यही शुभकामना के साथ जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये प्रसाद लगा है जो है हलवे का है, उसका भोग लगाइए सभी लोग जो है, जो हम लोग से हो सके हम लोग निःशुल्क भाव से देव शक्ति धाम गंगा हॉस्पिटल की तरफ से हम ये सेवा कर रहे हैं जो है। और मेरा नाम रीता शर्मा है, मैं लोक गायिका हूँ, एक समाज सेवी भी हूँ, मैं अयोध्या से ही हूँ। चिकित्सा कैंप में क्या क्या सुविधा दे रही है? चिकित्सा कैंप पे यही है कि जैसे कहीं किसी को चोट लग गई या किसी को बुखार है जो है, या उसको कमजोरी लग रही है, तो उसी के द्वारा जो है लोगों को अपना दवा वितरण निःशुल्क। क्या मतलब? नाम मेरा नाम रीता शर्मा है, लोक गायिका समाज सेवी, अयोध्या से हूँ मैं। सामने 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 देखते सामने बताए। मैं डॉक्टर उदय भान मिश्र, सेवानिवृत्त अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या, प्रभु श्री राम धर्मार्थ सेवा समिति जनौरा, जो राजकीय इंटर कॉलेज फैजाबाद के पूर्व प्रधानाचार्य श्री हौसला प्रसाद कुशवाहा जी के निर्देशन में हम लोगों ने यह कार्यक्रम शुरू किया था। आज 7-8 वर्षों से यह कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग आपस में कुछ सहयोग करके और बाज़ार से सब चीज़ें खरीद करके नंबर एक की चीज़ें, और यहाँ हम लोग कैंप लगा करके जनता की सेवा करते हैं जो परिक्रमा में आते हैं। केवल यह सोच कर कि जनसेवा बहुत बड़ी सेवा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आज। सर पर श्री राम प्रसाद मिश्र जी सेवानिवृत्त अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या, श्री कपिल देव जी सेवारत अध्यापक, श्री काशी प्रसाद जी सेवारत अध्यापक, श्री रमेश सिंह जी सेवारत अध्यापक, और दो एक साथी हमारे जो चले गए, जैसे श्री राजेश कुमार तिवारी जी, श्री शिवाकांत जी, तो ऐसे लोग संयोग से इस मौके पर अभी नहीं उपलब्ध हैं। बाकी सब लोगों का पूरा सहयोग रहा इस कार्यक्रम में। संस्थान कहाँ पे लगाए हैं ये? ये शनिदेव मंदिर डीएम आवास के पीछे। क्या व्यवस्थाएं हैं आज? ये तो कल रात से ही लग गया था और परिक्रमा थोड़ा पहले शुरू हो गई थी, तो परिक्रमा में काल जागरण संस्थान जैसे हर वर्ष जो है परिक्रमा में अपना चिकित्सा शिविर लगाता है, तो इस वर्ष भी पिछले 9 साल से हम लोग इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं, और हर परिक्रमा में श्रद्धालुओं की सेवा की जाती है। हमारे काय जागरण संस्थान के लोग बहुत ही जागरूक हैं और वे हर वर्ष अपना सहयोग इस कार्यक्रम में देते रहते हैं। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष, काय जागरण संस्थान।